यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुश रहे, माता रानी सदा सुखी रहे। छोटा या बड़ा आपका अपना कारोबार है, आपने अपनी मेहनत से उस व्यापार को बढ़ाया है, सब अच्छा चल रहा होता है कि अचानक कारोबार ठप होने की कगार पर आ जाता है। कर्ज में आप इतना डूब जाते हैं कि उभर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन रही है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे ठप होते व्यापार को वापस चमकाया जा सकता है और इसके साथ साथ आपको कारोबार शुरू करना है तो किन बातों का खास ध्यान रखा जाए, ये सब जानेंगे। और इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, बसा बसाया कारोबार है लेकिन अचानक से नुकसान होना शुरू हो जाए, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, कारोबार का जो संबंध है वो जन्म कुंडली के 7वें घर, 11वें घर और 3रे घर के साथ संबंध है। और क्योंकि 3रा घर पराक्रम है, 7वां घर व्यापार डेली इनकम इसका कारक है। क्योंकि नौकरी के तो ये भी हो सकता है 5 दिन हो, 6 दिन हो, लेकिन व्यापार के 7 दिन होते हैं, ठीक है। और साथ में लाभ का स्थान 11 का। इनमें जब भी कभी कोई अशुद्धता आती है, 7वां घर खराब हो जाए व्यापार टोटली खत्म हो जाता है, 3रा घर खराब हो जाए तो ऐसी अवस्था में काम में पराक्रम में कमी रहती है, और 3रा 7वां होके हो और 11वां घर खराब हो जाए तो ये लाभ को उड़ा देता है। तो यानी मेहनत होती है, कोशिशें होती हैं, रोज पैसा डाला जाता है, लाभ नहीं होता। तो ये जो बंद होने का मतलब क्या है, जब 11वां और 7वां घर दोनों ही खराब हो जाए तो अच्छा खासा चलता चलाया बिजनेस बिल्कुल मिट जाता है। अब इनको खराब करने वाले कौन कौन से हैं? जब भी भाग्य स्थान की अशुभता आती है तो वो 7वें घर को खराब करती है, और जब भी जन्म कुंडली के दूसरे घर की कोई अशुभता आती है वो लाभ स्थान को खराब करती है। तो ऐसी अवस्था के लिए ही हमारे यहाँ प्रावधान बनाया गया है संस्कारों में तिलक का, कि कुछ भी हो आपको अपने इष्ट के अनुसार तिलक जरूर लगाना चाहिए। मैं ये जो बार बार एपिसोडों में बोलता रहता हूँ कि हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, इसके पीछे वही रीज़न है। कई लोग सिंदूर का तिलक लगाते हैं, कई लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, तो ये जो तिलक का महत्व है ये बहुत बड़ा है। और ये कारोबार कभी खराब ना हो, भाग्य सदा साथ दे, इसके लिए बहुत जरूरी है। और जब भी हम कोई चीज़ें मंदिर में लेकर के जाते हैं, मंदिर में हम जब जाते हैं तो कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती, कभी फुली होती, कभी पतासे होते हैं, कभी फल होते हैं, कभी फूल होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ बनती है तो पहले हम मंदिर में अर्पित कर देते हैं। ये चीज़ें मंदिर के अंदर में अर्पित करना हमारी डेली इनकम और लाभ इसको दुरुस्त रखता है। और मंदिर के अंदर आप कोई भर भर के टोकरियाँ नहीं लेके जाते, ना कोई भंडारे करवाते हो, आप थोड़े थोड़ी सी चीज लेकर के जाते हो जिससे कि किसी भी ग्रह की ऊर्जा बेकार नहीं होती, ज्यादा नहीं जाती, और उसकी वजह से ही अगर उसके अंदर अशुभता है और वो चीज आपके हाथ में आ गई कि आज मंदिर में देनी है, तो वो अशुभता थोड़ी 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 करके खत्म होती रहती है। इसीलिए जिनके भी चलते हुए कारोबार बंद हो रहे हैं, जिनको भी ये चोट पड़ रही है और बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या किया जाए, इन लोगों को हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना चाहिए, और रोज अपनी मनमर्जी से कोई भी वस्तु जो मंदिर में चढ़ाई जा सकती है, ये वस्तुएं लेकर के अगर ये मंदिर में जाते हैं तो इससे इनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति। बहुत खूब। और कारोबार के लिए कौन से ग्रह जरूरी हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं,
ये जानने के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ कारोबार में सफलता चाहिए तो एस्ट्रो साइंस जरूर देखें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के आज खास तौर पे माता, कामकाज, मनोवस्था, इन सब में कुछ न कुछ अटपटापन दिखाई दे रहा है। और इस बीच में काम के अंदर से जो सक्सेस निकलनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमजोरी का योग बना हुआ है, लेकिन पारिवारिक हिस्से और मियां बीवी के सुख, बच्चों के सुख, इन सब के लिए समय आज ठीक ठाक है। इसीलिए आज सुबह चावल और मिश्री ये मंदिर में देकर माँ के पांव हाथ लगा करके तब दिन की शुरुआत करें, बाकी हिस्से भी शुभ होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक आज का दिन उत्तम है। आज अगर कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई काम करना हो, अपने भाइयों के साथ वक्त बिताना हो, कोई नई पार्टनरशिप करनी हो, इन सब के लिए दिन उत्तम है। परंतु घूमने फिरने का भी योग बना हुआ है, या तो ये ज़रूरी काम या मौज मस्ती, दोनों में ही आज का दिन अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी के अंदर ज़्यादा खर्चा करके कोई नुकसान नहीं उठाना, इसलिए जो भी कार्य करें थोड़ा धैर्य से आज के दिन करें। आज के दिन थोड़ी मिठाई गरीबों में बांट के तब दिन की शुरुआत। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों ने अगर आज नेगेटिव सोच नहीं रखी और किसी के लिए अपने मन में तरह तरह की धारणाएं नहीं पाली तो दिन उत्तम होगा। नहीं तो अपने आप धारणाएं बना करके घर में या बाहर रोड पर किसी से भी लड़ाई मोल ली तो आज का दिन बुरा है। और ख़ास तौर पे यार दोस्तों के साथ विवादों में उलझे तो दिन खराब हो जाएगा। इसके विपरीत अगर पॉजिटिव सोच आज आप रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम होगा, बल्कि दूसरे आपके कामों की और आपके स्वभाव की सराहना करेंगे। आज यश कमाने का दिन बन सकता है अगर नेगेटिव सोच को आप छोड़ दें तो। इसलिए आज के दिन गाय को थोड़ा सा हरा चारा, अगर और कुछ नहीं घर से दो आलू लीजिए, हल्दी से पीले करके गाय को खिला दीजिए, इससे दिन काफ़ी उत्तम। गुरुदेव, अगला सवाल। विरोधियों की जालसाजी के कारण कंपनी का नाम मार्केट में खराब हो गया है, और वो ऐसा खराब हुआ है कि कोई लोग उसको पूछने के लिए तैयार नहीं है। किसी टाइम पे बहुत अच्छा नाम कमा रही थी वो कंपनी, अब ऐसा डाउनफॉल आया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्या किया जाए? इसी को कहा जाता है कि ना कोई अकलमंद बन के कमाता है, ना कोई बेवकूफ़ बन के कमाता है। जिस तरह का समय आए उस तरह का जीवन चलता चला। अब ये अफवाहों का संबंध किसके साथ है? ये जब भी हम शब्द ये बोलते हैं तो एक शब्द साथ में लगाते हैं उड़ गई, यानी कि अफवाह हो गई, अफवाह फैल गई। अब उड़ना और फैलना किसके हाथ में है? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन उड़ती है, फैलती है। ऑक्सीजन के देवता श्री बृहस्पति जी, ये जब जन्म कुंडली के अंदर खराब होते हैं तो इंसान के खिलाफ अफवाहें उड़ती है, समझिए ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा तुमने कहा दुश्मनों का। दुश्मन कौन पैदा करता है? जन्म कुंडली का सातवां घर सबसे बड़े दुश्मन पैदा करता है, और ऐसा कि जिसको रोज कोई ना कोई तंग करने वाला मिल ही जाता है, समझे ना। ऐसी अवस्था में आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा है लेकिन लोग उस पर नजर रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, और उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं ताकि उसका काम, उसका प्रोडक्ट वो खराब हो सके। तो ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति और केतु मिश्रित अगर हम उपाय करते हैं तो बृहस्पति और केतु दोनों शुभ होकर के बुराई को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो उपाय क्या है? बृहस्पति यानी कि पीला रंग, केतु यानी कि खट्टा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नींबू, पीला नींबू। अगर हरा नींबू इसमें इस्तेमाल किया तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे, और इसीलिए प्योर पीला नींबू बिना दाग का, जिस पे एक भी दाग ना हो, ये आपको रोज चार नींबू लेने चाहिए और लेकर के मंदिर में चढ़ाने शुरू करो। इसके साथ ही सोने की चेन इन दिनों के अंदर गले में धारण करना बहुत जरूरी है,
इसका रीज़न है, क्योंकि वैदिक वाले शायद नहीं जानते, लाल किताब के अंदर ये क्लियर किया गया है कि बृहस्पति स्वयं कभी खराब नहीं होता। बृहस्पति जब भी खराब होता है दूसरे ग्रहों के प्रभाव के कारण ही खराब होता है, तो इसीलिए हर सूरत के अंदर सोना सूट करता है। ठीक है, तो खोट वाला कम से कम हो इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो सोने की चेन गले में धारण करें, हर रोज 4 पीले नींबू बिना दाग के मंदिर में देने शुरू करें, देखिए ये झूठी अफवाहें फैलनी बंद हो जाएंगी और कारोबार सुचारू रूप से। बहुत खूब, अब कार्यक्रम को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों। कर्क राशि वालों में आज जोश अति उत्तम वाला होगा, इसीलिए आपके सपने भी आज बड़े होंगे, कार्यक्षमता भी बड़ी हुई होगी। तो आज कोई अच्छा कार्य करिए, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कोई कार्य करिए, उनके साथ सलाह करके कोई कार्य करिए, हर तरह से उत्तम दिन जाएगा। और ख़ास तौर पे जो लोग विवाह योग्य हैं, अगर आज के दिन किसी भी तरह की शादी के लिए बातचीत शुरू होती है तो आप सबके लिए बहुत ही उत्तम दिन बनेगा। ठीक है, आज के दिन थोड़ी सी चावल और मिश्री मंदिर में जरूर अर्पित करें। सिंह राशि के वो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनका कोई भी सलाह लेने देने का काम है, मीडिएशन का काम है या कमीशन का काम है या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का काम है, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। और आज के दिन धन का लाभ होगा, जीवन साथी के सुख अच्छे मिलेंगे, दोस्ती वालों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से उत्तम होता है। लेकिन ख्याल क्या रखना है, ख्याल ये रखें कि स्वास्थ्य ना बिगड़ने दें, कुछ जोश जोश में ज़्यादा खाना वो भी गलत हो जाएगा और बिल्कुल ना खाना काम के चक्कर में वो भी आपके लिए गलत हो जाएगा, तो वो कहीं आधा दिन बेकार ना कर दें। इसीलिए खान पान का आज के दिन खास ख्याल रखें और आज के दिन मंदिर में खड़ी गाय को कुछ भी खिलाकर तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि वालों को आज थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी कड़वा शब्द आपके पारिवारिक माहौल को खराब कर सकता है, खास तौर पे भाइयों के साथ लड़ाई दे करके काम खराब कर सकता है या पति पत्नी के बीच में लड़ाई के हालात बना सकता है। और आज के दिन जीवन साथी को, यानी कि जो आप कन्या राशि के हैं, आपके जीवन साथी को कुछ ना कुछ थोड़ी तकलीफ आने का योग चल रहा है, इसलिए आज के दिन थोड़े से चावल और मिश्री ये किसी गरीब को दान देना है और कोई भी एक मिठाई, चाहे वो लड्डू हो, पतासे हों या कोई की मिठाई हो, वो मंदिर में जरूर दें, तब आज आपका दिन शुभ होगा। गुरुदेव, अगला सवाल, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसके खरीदार नहीं, मार्केट में वो उतर ही नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों? सातवां घर, ये जो तुमने बात कही है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे होने का मतलब क्या, आपने अपने काम के ऊपर मेहनत करी, अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करी, उसकी छोटी से छोटी महीन चीज़ की गुणवत्ता को जांचा है, उसकी सुंदरता को जांचा है, उसकी पैकिंग को जांचा है और उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया है। ये काम कौन करता है, सातवें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो तब आदमी ऐसा होता है, तो वो गुण तो है आप में, लेकिन ऐसी अवस्था में धोखा कौन देता है, चोट कौन मारता है और उस प्रोडक्ट को चलने कौन नहीं देता। अगर बारहवें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो कभी भी उस प्रोडक्ट को चलने नहीं देगा, और बारहवां घर लगभग राहु का घर होता है। ठीक है, वहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो तो ऐसे में राहु की अशुभता के कारण ही प्रोडक्ट नहीं चलता, तो राहु को अच्छा करना ये आपके प्रोडक्ट की सक्सेस की गारंटी बना देगा। और राहु को कैसे ठीक किया जा सकता है, हाथी को मूलियां खिलाना महीने में एक बार कम से कम, या हाथी को गन्ने खिलाना, समझे, ये राहु को शुभ करता चला जाएगा। इसके अलावा राहु से संबंधित जो इंसान हैं उनकी सेवा करना, अब वो कौन है, जितने भी अंग भंग बेकारी हैं जो भीख मांग के गुजारा करते हैं, अगर आप उनको भी किसी भी प्रकार का मीठा, जो रसेदार मीठा होता है, जैसे बूंदी हो गई, बूंदी वाले लड्डू हो गए,
या जलेबी हो गई, ये अगर आप उनके अंदर वीकली वितरण करते हैं, समझे, हर हफ्ते अगर आप बांटते हैं, तो ये राहु पूरी तरह से मंगल के काबू आकर के नुकसान करना बंद कर देगा और प्रोडक्ट जरूर चलेगा। गुरुदेव, क्वेश्चन मेरा है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं, मतलब वो इतना हाइक पर रहते हैं, उन ब्रांड्स के नीचे हम बात ही नहीं करते हैं, पर उन्हीं के सिमिलर प्रोडक्ट है मार्केट में, वो ब्रांड इतना उभर के नहीं आता, तो एक ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? इसके पीछे भी कोई ग्रहीय कारण होते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े ग्रहीय कारण होते हैं, और वो क्या होते हैं? जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु खराब होता है और बुध खराब होता है, बुध जब खराब होता है केतु कभी अच्छा फल नहीं देता, और जब केतु खराब होता है तब बुध अच्छा फल नहीं देता। तो इसका मतलब क्या, आज आपको इसका मतलब समझाता हूँ। केतु जब खराब होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर आदमी मेहनती होता है लेकिन कंप्रोमाइजिंग नेचर का होता है और जल्दबाज होता है, जिसके कारण वो अपने दूर तक की वो जो सोच है, जो उसको पूरी कई महीने प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो ना करके वो बहुत जल्दी जल्दी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करता है और वो चीज़ को ब्रांड नहीं बना पाता। देखिए, फिर बुध का खराब होना, बुध का खराब होना इंसान को अच्छा बना देता है, जिसको अच्छा कहा जाता है। आप देखिए, जो भी ऊँचे बड़े लोग हैं वो सुनते सबकी है, लेकिन उसके बावजूद मन के इतने पक्के होते हैं कि जिसके साथ काम करना है करना है, जिसके साथ नहीं करना नहीं करना, वो अपने मन में ठान लेते हैं। लेकिन बुध खराब वाला हर किसी का मन रखता है, वो अपने नौकर का भी मन रखेगा, वो सप्लायर का भी मन रखेगा, वो प्रोडक्शन वाले का भी मन रखेगा, और पैसे के फेर में फंसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो मन रखने की आदत और एक असूल बना करके ना चलने की जो आदत है और कहीं पर भी जुबान दे देने की जो आदत है, इसको बोलते हैं बुध खराब होना। और दूर तक ना सोचना, धैर्य से ना चलना, प्लानिंग बना के स्टेप बाय स्टेप ना चलना और आज ही जल्दी कमाने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं केतु खराब। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है उसका प्रोडक्ट अच्छा बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो ब्रांड नहीं बना पाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर हम बुध को ही अच्छा कर लें और केतु के दान देते रहें, तो ऐसी अवस्था में आप भी उस ब्रांड बनने के काबिल बन सकते हैं। तो वो कैसे होगा? बुध को अच्छा करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की सेवा, यानी कि उनको लाल चुन्नी पहनाना, मिठाई देना, पांवा लगा करके आशीर्वाद लेना, बुधवार के दिन ये करना शुरू कर दीजिए, बुध अच्छा होगा। और केतु को अच्छा करने के लिए कुत्ते कौओं की सेवा करना और बृहस्पतिवार के दिन लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, समझे, जो हम परमात्मा के लिए तिकोना झंडा बनाते हैं, ये लेकर के हर बृहस्पतिवार को मंदिर की छत पे बांधना शुरू करें। और बारहवां स्थान केतु के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, जिससे वो धीरे धीरे करके अपनी बुराई को छोड़ने लगेगा और इंसान का ब्रांड वाकई में ब्रांड बन के रहेगा। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब तुला, वृश्चिक और धनुराशि। तुला राशि वालों का आज दिन कुछ ज़्यादा अच्छा है। आज कोई भी रुपए पैसे का फ़ायदा, कोई नई गाड़ी खरीदनी हो उसका फ़ायदा, कोई नई प्रॉपर्टी लेनी हो उसका फ़ायदा, उसकी कोई डील होना, और हर तरह से सुखों से संबंधित खरीद फरोख्त, सुखों को इकट्ठा करना, पैसे का आना, ये आज के दिन आपके भाग्य में है। और आज के दिन अगर अपने काम पर अपने जीवन साथी की सलाह लेकर के जाते हो या जीवन साथी को भी साथ लेकर के जाते हो, तो ऐसी अवस्था में ये शुभ अवस्था के अंदर जीवन साथी का भी खुश होना वो लाजमी हो जाएगा और दिन बन जाएगा। तो ऐसी अवस्था में एक दो लड्डू या पतासे ये मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आज के दिन ना तो आपने सोना बेचना है और ना ही खरीदना है, और गिरवी भी नहीं रखना, यानी घर पे पड़ा सोना उसे पड़ा रहना। ठीक है, और आज के दिन कामकाज में थोड़ी अस्थिरता वाला माहौल रहेगा, स्वास्थ्य पूरी तरह से काबू में नहीं रहेगा, और घर वालों के साथ भी थोड़ी सी असमंजस जैसी स्थिति वो बनाएगा और आगे बढ़ने को रोकेगा, यानी काम करेंगे मेहनत करेंगे लेकिन उसका पूरा लाभ आना मुश्किल। इसको अगर ठीक करना है बेटा,
थोड़ा सा गुड़ ये लेकर के मंदिर के अंदर दे और थोड़ा सा गुड़ गरीबों में बांट के तब काम पे जाए। धनु राशि वालों के लिए जिन्होंने सात्विक काम करने हैं, अपने कामकाज पे मेहनत करनी है, परिवार वालों के साथ रहना है, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन्होंने सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए या अच्छे अच्छे कामों के लिए दिन चुना है, उनका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। लेकिन जो लोग समाज से छुप के बुरे व्यसनों के अंदर जाने वाले हैं या बुरे लोगों की संगति आज करने वाले हैं, उनके लिए दिन खराब होने वाला है। फिर ऐसी अवस्था में वो निकलेंगे तो घर से पूजा करके, लेकिन व्यसनों में जाकर अपना दिन भी खराब करेंगे, शरीर भी खराब करेंगे और पैसा भी खराब करेंगे, और ये भी हो सकता है किसी के साथ लड़ाई हो जाए। तो इससे थोड़ा संभल के आज रहना है। आज के दिन अगर आप गाय के घी का दीपक मंदिर में जलाकर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर तब दिन की शुरुआत करते हैं, तब आपका दिन उत्तम हो सकता है। गुरुदेव, अगला सवाल, ठेकेदारी का काम है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम है, पहले बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे लेकिन अचानक से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने बंद हो गए, काम ठप होना शुरू हो गया, ऐसा क्यों, कारण और निवारण? ज्यादातर तो जितने भी ठेकेदार हैं वो परोपकार करके बर्बाद होते हैं। मैं उसका रीजन समझा देता हूं। एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, जो शनि फल देगा वही चंद्रमा फल देगा, और जो चंद्रमा फल देगा वही शनि फल देगा। तो ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टरशिप, कंस्ट्रक्शन, रोड निर्माण, ये जितनी भी चीजें हैं बेटा, या बड़ी बड़ी मशीनरी या सेटिंग लगाना, ये सब कुछ जितना कुछ भी है ये सारा का सारा शनि के अधीन आता है। तो चंद्रमा जब अच्छे हालात में बैठा हुआ हो तो इंसान की अफसरों के साथ बहुत पड़ती है, इंसान को दूसरी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है और हर तरह से उत्तम हालात चलते हैं, तभी तो वो कामयाब ठेकेदार बना है, क्योंकि शनि अच्छा होना हो चंद्रमा अच्छा था। लेकिन जब कमाई बढ़ जाती है, आदमी सुखी हो जाता है, पैसे से संपन्न हो जाता है, उसके बाद उसका एक नई रूटीन बनने लगती है, उसका झुकाव दान पुण्य की तरफ जाने लगता है। तो दान पुण्य में भंडारे लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी वो दूध या दूध से बनी वस्तुएं ये भंडारों में देने लग गया, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये भंडारों में देने लग गया या दूध ही पिलाने लग गया, तो कॉन्ट्रैक्टर बर्बाद हो जाता है। और ऐसा हमने हजारों हजार पे अप्लाई भी करके देखा, उनकी जिंदगी के अंदर रेल में होते हुए देखा, तब आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए जो भी ठेकेदारी का काम करता है, सभी कंस्ट्रक्शन के काम करता है, रोड निर्माता है, इन लोगों को दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, आप हलवा, पूरी, काले चने, सब्जी, इनके भंडारे लगाने चाहिए, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं ये सूर्य मंगल की चीज़ें हैं, बुध की चीज़ें हैं, इनके दान, सूजी जो होती है वो बुध की होती है, तो इनके दान आपके कामकाज को बहुत उत्तम बनाएंगी, क्योंकि आप शनि के काम करते हैं। लेकिन दूध का दान आपको बर्बाद कर देगा, इसीलिए दूध का दान या दूध से बनी वस्तुओं का दान, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का दान बंद कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टरशिप अपने आप अच्छी तरह से। ये तो एक कारोबार की बात हुई, लेकिन अगर आप रेगुलर लाइफ में दान पुण्य करना चाहते हैं तो कौन सा दान आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, आज अगर कुछ अपने रूठे हुए हैं, जैसे सास बहू तो अक्सर ही रूठ जाती है, और बहन भाई रूठ जाते हैं आपस में, भाई भाई रूठ जाता है, या जीवन साथी ही रूठ जाता है, तो मकर राशि वालों को आज के दिन उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि मनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, और उसके बाद खुशी मनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और ख़ास तौर पे कोई ऐसा कार्य जो अटका हुआ हो पिछले बहुत समय से, अगर उसके अंदर आप मध्यस्थता करके उस काम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन है। और आज के दिन
किसी भी असंभव कार्य को भी चुनते हैं तो वो भी आपका होना लगभग तय है। तो इसको खुशी मनाएं, मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले आज जोश तो बहुत दिखाएंगे, हर कार्य को करने की कर्मठता भी आपके अंदर होगी, लेकिन थोड़ा संभल कर आज के दिन चंद्रमा ऐसी स्थिति में है जो खुशी के बाद गम दे सकते हैं या पैसे का नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए जहां भी आपने पैसा खर्चना है बहुत ही सोच समझ करके खर्च करें तो वो ज़्यादा उत्तम होगा, ज़्यादा जोश आपको नुकसान दे सकता है। हाँ, अगर आप अपने जीवन साथी की सलाह या अपने भाइयों की सलाह या अपने यार दोस्तों की सलाह लेकर के धैर्य से काम करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है आज आपका दिन सफल होने के लिए। okay? तो इसीलिए थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चावल ये मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, मीन राशि वालों के दिल में आज प्यार की भावनाएं भी उठेंगी और काम करने को भी अच्छी प्लानिंग आप बना करके चलेंगे, लेकिन आज के दिन आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत का योग है और मामा खानदान की तरफ से कोई ना कोई अशुभ समाचार इसका योग है। तो ऐसी अवस्था में जल्दबाजी के अंदर ऐसा कोई नुकसान ना करें कि आपके चोट लगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और कमर या पांव के हिस्से पे चोट लग सकती है या कान के पास में चोट लगने का भी आज खतरा है। तो इसीलिए दूध में शहद मिला करके मंदिर चढ़ा दें आज सुबह सुबह ताकि आपका हर तरह से दिन उत्तम हो, बस प्यार की भावनाओं के साथ ही आज का दिन पार हो ये ज़्यादा उत्तम। गुरुदेव, पारिवारिक कलेश के चलते बिजनेस बंद करना पड़ जाए या शेयर किसी और को ट्रांसफर करने पड़ जाए तो क्या किया जा सकता है, इसके कारण भी बताएं। इसका कारण एक ही होता है बेटा, जो पारिवारिक कारोबार है वो देखा जाता है जन्म कुंडली के चौथे घर से और चौथे घर का मालिक है चंद्रमा। ठीक है, जब भी किसी भी तरह से चंद्रमा को कोई भी ग्रह अगर चोट मार देता है तो खानदानी काम, पारिवारिक काम अपने आप अपने हाथ से छूट जाता है। ठीक है, और ये घर में पहले क्लेश करवाता है, फिर वो चीज़ों को डिवाइड करने के अंदर सालों साल खराब होते हैं, नहीं तो अगर चोट बड़ी पड़ रही है तो एक झटके के अंदर एक रात में लड़ाई होती है, चार दिन बात होती है, पांचवें दिन ये अलग अलग हो जाता है और खानदानी कारोबार में से हिस्सा अपना खत्म हो जाता है या बिक जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो ये चंद्रमा को जब कोई भी ग्रह बुरा चोट मार रहा हो तब ये हालात बनते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा को उसके मित्र ग्रह के साथ मिलाकर के अच्छा करना ये अति उत्तम फल देगा। इसके लिए सबसे उत्तम जो उपाय है और वो क्या है, गन्ने के रस के अंदर चावल की खीर बना करके, गन्ने के रस में चावल की खीर बना करके अगर आप मंदिर चढ़ा करके प्रसाद के रूप में 43 दिन तक बांटते हैं, और लेकिन ये तब बांटते हैं जब आपको अभी नुकसान नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बातें ही उठी हैं, तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। और अगर नुकसान हो चुका है तब गन्ने के रस की खीर हर सोमवार को बांटना और हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या हल्दी की गांठ मंदिर के अंदर साथ में देना वापस आपको खड़ा करेगा और दुखों को मिटा देगा और कामकाज को सुचारू रूप से तब चलाएगा। तो गुरुदेव, अगर शेयर बेचने पड़े मतलब मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर रखा है पर पैसों की तंगी है खुद के कारोबार में, तो उसके चक्कर में शेयर को हम बेच रहे हैं, किसी कंपनी में जहाँ इन्वेस्ट किया उसके शेयर को बेचना पड़े, उसका कारण होगा? उसका भी कारण यही है, क्योंकि कारण ये है कि ये चंद्रमा को टक्कर पड़ना अपने घर की मन की सुख शांति का खराब होना, माँ का सुख सहयोग आशीर्वाद अपने पास से हटना या माँ का स्वयं स्वास्थ्य से स्वभाव से दुखी हो जाना, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से कंसर्न है चंद्रमा के साथ। तो ऐसे में वही जो मैंने बताया, चावल की गन्ने के रस में खीर बना करके, खीर जब बढ़ती है तो उसमें दूध ज़रूर पड़ता है, ठीक है, तो वो खीर बना करके मंदिर चढ़ा करके बांटना और हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या हल्दी की गांठ मंदिर में देना, ये वापस नुकसानों को खत्म करके लाभ की संख्या को बढ़ाने में अपने आप मदद करता है।
बहुत खूब, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।